नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मामला ग्राम पंचायत कमलापुर में दबंगों ने सरकारी रोड पर कब्जा किया, ग्रामवासियों को करना पड़ रहा मुश्किलों का सामना। कमलापुर ग्राम पंचायत में सैकड़ों पीड़ित महिलाओं ने कहा कि विगत 2016 से कई बार लिखित शिकायत करने के बावजूद शासन प्रशासन के अधिकारी आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई दबंगों के खिलाफ नहीं हुई। ग्राम पंचायत कमलापुर में पहुंची पत्रकारों की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्राम में लोगों से बात की तो रोंगटे खड़े हो गए। जब पत्रकारों द्वारा ग्राम प्रधान से जानकारी ली गई तो मामला चौंकाने वाला साबित हुआ। प्रधान के कथन अनुसार बताया गया कि गांव के दबंगों के द्वारा सरकारी रोड रूप से अधिग्रहण कर लिया गया है और दबंग प्रवृत्ति के लोगों के खुलेआम सरकारी रोड पर अपने जानवर व भैंसों को बांधकर पूर्ण रूप से रोड को अवरुद्ध कर दिया गया। ग्राम पंचायत कमलापुर का कोई उच्च अधिकारी मौकाए वारदात का निरीक्षण करने नहीं पहुंचा। हम आपको बताते चले कि ग्राम पंचायत में रहने वाले लोगों की दुर्दशा का जिम्मेदार पुलिस प्रशासन से लेकर राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल हैं, जबकि ग्राम पंचायतों कमलापुर के रहने वाले सैकड़ों गरीब पीड़ित परिवारों ने थाना बिजनौर पुलिस प्रशासन को लिखित तहरीर देने के बावजूद भी थाना प्रभारी बिजनौर के द्वारा अभी तक ग्राम पंचायत कमलापुर में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज बहुत ही दुखी होने का विषय है, अभी तक उत्तर प्रदेश में चल रही योगी सरकार में दबंग प्रवृत्ति के लोगों के इशारे अवैध रूप से बंधे सरकारी रोड पर बंधे जानवरों को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की मनमानी के चलते आज तक गरीब पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना मुश्किल है। कि देखो यही मासो प्यारा कह रहा है, हाँ। अब इनके भंसे पैदने का डंडा लेकर दौड़ी जाई का कई जो भंसे दौड़ती इतना जा जगह है यही जगह में लड़का मारा था। अच्छा अच्छा, ये रास्ता कहाँ होना चाहिए लगता है? ये रास्ता कहाँ होना चाहिए? हो ये बढ़िया बनाए। हाँ बढ़िया होना चाहिए। ये रास्ता ये रास्ते पे जो कब से जो है जानवर लगातार बंध रहे हैं। चार वर्ष से इसी तरीके की गंदगी पड़ी हुई है आपके गाँव। अच्छा अच्छा हमारी है। कहाँ के रहने वाले? कमलापुर यही गाँव। थाना कौन सा लगता है तुम्हारा? थाना बिजनौर। ये समस्या कब से है जी अपने हाथ में? 2016 से है ये समस्या। 2016 से, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई आता है नहीं। अच्छा, कोई नहीं आता। नया भारत दर्पण समाचार, आइए। इस समय में ग्राम पंचायत कमलापुर में मौजूद है और यहाँ ग्राम पंचायत की ये दुर्दशा को देखते जाइए और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना जानवर रोड पर खड़ा हुआ है और इसका जो है निस्तारण कोई नहीं हो रहा है। पूरे ग्रामवासी यहाँ पर परेशान है। रास्ता ब्लॉक करने के बाद यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई इनसे कहने वाला नहीं है, इनके जानवरों का कोई इंतजाम नहीं है। रोड पर पूरे जानवर बंधे रहते हैं और आइए हम पूछते हैं यहाँ के ग्रामवासियों से कि इनकी क्या दिक्कत है। क्या नाम है बेटा? प्रमोद कुमार। क्या दिक्कत है आपको? हमें दिक्कत ये है जैसे कहीं इमरजेंसी में जाना हो तो 15-20 मिनट आयरन भी दो तभी नहीं उठते हैं। ये जानवर हैं किसके? जानवर हैं, इनका नाम एक का छुटकाऊ बोला जाता है, एक का बड़काऊ। इनका नाम तो एक का परवीन है और छोटे वाले का क्या नाम है पता नहीं। छुटकाऊ जानवर इन्हीं के? जानवर दूर का बिजनेस करते हैं। हाँ अच्छा अच्छा, तो इनकी कब से बंध रहे हैं जानवर? ये तो जानवर बहुत पहले से बंध रहे हैं, लमसम 10-15 साल हो गए। लेकिन इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तक गांव वालों ने? इनकी ऐसे कहो तो कुछ सुनता ही नहीं है। कोई सुनते नहीं? प्रधान अच्छा अच्छा प्रधान भी इनके अंडर में है तो कोई सुनता ही नहीं है। ये देखिए ग्रामवासियों की समस्या है। जरा अपना नाम बताएं भैया। मनोज कुमार। मनोज जी, ये कब से जानवर बंध रहे हैं यहाँ पे? कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता? ऑब्जेक्शन तो करते हैं लेकिन कुछ हल होकर निकल नहीं पाता है। नहीं, कभी कोई अधिकारियों को या किसी को शिकायत की आप? हाँ, जो सरोजनी नगर के ब्लॉक अधिकारी हैं उनको भी संपर्क बताया गया है इस बारे में, लेकिन ग्राम जो पंचायत के जो प्रधान हैं उनकी मिली भगत की वजह से इसका समाधान हो नहीं पाता परमानेंट। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये लगातार जबरन जानवर बांधे? हाँ, जबरन बांधते हैं। विस्तारण नहीं हुआ। मंदिर की जगह है, मंदिर की जगह आगे आगे बढ़ रही है। आइए आइए हम देखते हैं, जरा देखते हैं यहाँ पे जानवरों की क्या समस्या है। आए दिन जो है लगातार ग्रामीणों की समस्याएं जन सुनवाई यहाँ से बाधित हो रही है। लोग परेशान
क्या बताएं, जूम करके जरा दिखाइए, हम कैमरामैन से कहेंगे कि जरा और नज़दीकी करके इसको दिखाएं। और ये नालियों की स्थिति देखिए, पूरा जाम लगा हुआ है, किसी भी तरीके से कोई काम होने वाला नहीं है। और ग्रामवासी कई बार शिकायत भी किए, सरकारी अधिकारियों को भी किए, उसके बावजूद भी यहाँ की कोई सुनवाई नहीं है। सब रास्ता तो ये नालियों का कोई सफाई कर्मी आता है? अभी मान चलो अभी पानी जब बारिश होता है तो एक गांठी ले ले, वहाँ पानी भरा भर जाए। यहाँ पे इतना इतना तो पानी आ गया, कहाँ पे से ले? पानी मंझा जाए, चेक कर लेंगे कहाँ पे। उसके बाद अभी यहाँ पे अपने आया नहीं, यहाँ का जो ग्राम पंचायत का जो सफाई कर्मी आता है, नहीं आता है तो घर करता है। यहाँ पे कोई नहीं, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। प्रधान जी इस पर कोई एक्शन नहीं लेते? एक्शन प्रधान से बोलो तो बोलते हैं कि ठीक है, जब आएगा मेरे अंडर में तुम्हें करूँगा। अच्छा ठीक है सर, ये लीजिए। बस बस यही बात है। आपका शुभ नाम क्या भैया? राजकिशोर जी। राजकिशोर जी, ये हालत कैसे है रोड की? ये रोड पे अभी ऐसा जान पा बनते रहते हैं? अरे बनते क्या रहते, सब देख लो, आप खुद देखिए, बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, सभी लोग तकलीफ है। क्योंकि यहाँ रास्ता जो है ब्लॉक करे हैं, पूरे जानवर बंधे हैं, इस पे आप लोगों को दिक्कत होती हो? अरे तो दिक्कत हम ही क्या होते, पूरे गांव को होती है। हमें तो क्या होती है, मेन रास्ता है ये, हमें को क्या, ये समस्या है यहाँ ग्राम वासियों की। लेकिन यहाँ पे अपनी मन मर्जी के चलते पूरा रोड ब्लॉक किया गया है और अधिकारी इस पे अनसुना कर रहे हैं। अब देखना है कि अधिकारी इस पर पानी है, पानी क्या कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई होना चाहिए। कमलेश चौधरी, नया भारत दर्पण, लखनऊ। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।